इसका मतलब है कुछ तो करेक्शन है, है ना? तामसु अपने पावर को यूज करके गोकू जैसा बन जाए। बात तो सही है। तो फ्यूचर में उसकी एनर्जी डार्क हो सकती है। डार्क तक पहुंचना बहुत दूर की बात है, और क्योंकि मैं उससे लड़ा हूं तो उसकी पावर्स जानता हूं। मतलब तुमने ज़ामासु से फाइट किया? पर तुम फिर भी जीत गए, है ना गोकू? हाँ, मैं जीत गया। खेरे जैसे डिस्ट्रॉयर का जिसने सामना किया, उसके सामने वो कैसे टिक पाएगा? गोकू इस गॉड से भी फाइट कर चुका है, इस डिस्ट्रॉयर से? मेरे साथ आओ, तुम्हें असली ट्रेनिंग देने का टाइम आ गया। कल के आजाद होने के बाद से आपने मुझे ट्रेनिंग ही नहीं दिया। बिल्कुल नहीं, मैं सोते वक्त सर के नीचे डायरी रख के नहीं सोता हूँ। क्या आपने ये देखा डैड? आप मुझसे फुल पावर के साथ लड़िए। ये एनर्जी, यस, ये हुई ना बात। क्या हुआ पाचो बॉय? गजब बेइज्जती है। अगर तुमने मुझे एक ही पंच मारा तो हम तुम्हें विनर मान लेंगे। ओ ये रहा, कौन खाएगा बढ़िया स्टर फ्राई? अभी तक हुआ नहीं क्या? नहीं। वो अभी बात नहीं कर सकता। मैं आपका सम्मान करता हूँ। उम्मीद है आपका दिन बहुत ही अच्छा जा रहा है। हाँ, ठीक ठाक दिन ही है। कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ अरेंज करो। वो मैं गोकू से मिलना चाहता हूँ। खत्म। बाय बाय टाटा। क्या पिज़्ज़ा? मतलब अभी भी हम उस तक पहुंच सकते हैं। लो कर लो बात, उसने इतना सब कुछ किया है। वो डिस्ट्रॉयर्स लॉर्ड बीरर से ज्यादा पावरफुल हैं। मैंने सिंगल आर्म रेसलिंग मैच हारा है, उससे कुछ नहीं होता। बात तो सही है। ओहो, तुम फिर से आ गए ब्रीज़ा से? वो तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता है? यो। अरे रे, देखो तो किस्मत यहाँ किसे घसीट लाई। ये तो सजा देने वाली जगह होनी चाहिए ना। इससे बड़ी नरक की जगह कोई नहीं हो सकती। तुम्हारे जैसा मन बुद्धि कोई प्लान लेकर आया है क्या? तुम अच्छी कहानी बना लेते हो बंदर कहते। अगर मैंने मना कर दिया तो तुम निराश तो नहीं हो जाओगे? नहीं। मैं मना कर रहा हूँ। ठीक है फ्रीज़ा, जैसा तुम ठीक समझो। नहीं, रुक जाओ। बताओ ना बंदर कहीं के? गजब बेइज्जती है। यो बाबा, अगर तुम चाहते हो मैं उस बदमाश को जिंदा करूं तो जरा इज्जत से बात करो। मेरी पेमेंट कहाँ है? लीजिए। ये क्या है? इस बटन को दबाने से आप उनसे मिल सकते हैं। मुझे ये बेवकूफ़ी की चीज क्यों चाहिए हो? मैं हैरान हूँ कि वो सन की विलन तैयार हो गया। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो? ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करके उसके परमानेंट जिंदा होने की विश मांग। ये तो वही फ्रीज़ा है ना जिसने कुछ टाइम पहले अटैक किया था। फ्रीज़ा वो अब बदल गया है और अब वो अच्छा बन चुका है। ये उस घटिया फ्रीज़ा को मुझे पसंद करना पड़ेगा। ये मुझसे नहीं होगा। वक्त पड़ने पर गधे को बाप भी बनाना पड़ता है। जरा एक मिनट, झूठा कहीं का? कहीं वो खतरे में तो नहीं है? मेरी गारंटी है। हाँ, अब बड़ा यकीन दिलाने वाला। क्या तुम गोटेन और ट्रंक्स को 17 के आइलैंड पर ले जा सकते हो? मुझे नहीं लगता, 17 मुझे ज्यादा पसंद करता है। और अगर वो बदल सकती है तो उसका भाई भी बदल सकता है। बात तो सही है। बहुत टाइम बाद मिले हो, कम से कम नाटक ही कर लो कि मुझे देखकर खुशी हुई। कोशिश तो कर रहा हूँ। अच्छे दिख रहे हो। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम कह चुके हो। क्या बात है मरॉन? इसका नाम मैरन है। एक बार और गलत नाम लिया तो मार डालूंगी। तुम्हें एनिमल्स पसंद है? आपको पसंद है? बस इंसानों को छोड़कर। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। क्या हम इसी तरह अजीब बिहेव करने वाले हैं? हाँ शायद।
लेकिन इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए टीम की तरह फाइट करना होगा। दरोगा अपनी टीम वर्क की बातें कचरे के डिब्बे में डालो। ये तो क्यूपिड जैसा है, जबकि इसे क्राउन होना चाहिए था। ठीक है, थैंक्स बाबा। मैं भी कितना रूड हूँ, मेरी मुट्ठी तुम्हारे चेस्ट की तरफ फिसल गई। अब देख तू, अब देख तू, अब अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। ओह सॉरी, मेरा हाथ भी फिसल गया। हुआ, चलो निकलो। और इस बार अपने हाथ को फिसलने से रोकना। हालांकि मेरी पूछ का अपना दिमाग है, कभी भी चलता है। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? हम नहीं बता सकते। टूर्नामेंट में जाने से रोकने आए हो? नहीं कह सकता, हम नहीं बता सकते। उपसी, हाथ फिर से फिसल गया। उसके हिसाब से देखा जाए तो मेरा वेलकम काफी शानदार हो रहा है। कहाँ है वो? उस इडियट को पता नहीं कि हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हम टूर्नामेंट में लेट हो गए तो क्या होगा? टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही हमारा खेल तो खत्म कर दिया जाएगा। ये भगवान क्या जुलूम है। बेहतर होगा जल्दी आ जाओ गोकू।